वो बंदा भीख मांगने वाला नहीं है ना माफी मांगने वाला, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहता है कि मेरे सारे केस झूठे हैं, मैं सुरखरू होके आऊंगा। जजेस को भी ललकारता है, वकला को भी डराता है, सब। क्या कहता था लड़का कि काम पे टांग रही थी, उनका ये हाल उसने कर दिया। ये डरपोक बुजदिल लोग हैं, पहले बुजदार प्लस प्लस था, बुजदिल प्लस प्लस आ गए, बेड़ा गर्क कर दिया वतन का। एक CM, दूसरा CM, तीसरा CM, गवर्नर ये, मिनिस्टर वो, क्या पार्टी टूटी। अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान मेरा वतन कायम है और उसका पक्का सच्चा बेटा इमरान खान जिंदा है, मेरे लिए हर रोजी ईद उल फितर ईद उल अज़हा तो अल्लाह की तरफ से दीने फरीजे हैं हमारे। लेकिन मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। वो आएगा, लेकिन हर चीज का अपना मुकर्रर वक्त होता है। वो बंदा भीख मांगने वाला नहीं है ना माफी मांगने वाला, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो ईमानदार है, वो मासूम है, और वो पाकिस्तान के लिए जान छिड़कने को तैयार है। हम तो हाथ उनके सामने जुड़ते, मिनते करते हैं कि सर सब कुछ छोड़ें, आपकी जान जरूरी है। वो नहीं मानते। जब वो नहीं मारा इंसान, उसका ईमान उस लेवल का है, उसका ईमान इस लेवल का है कि वो नहीं आजादी चाहता, तो फिर वो कहता है कि मेरे सारे केस झूठे हैं, मैं सुरखरू होके आऊंगा। जजेस को भी ललकारता है, वो कला को भी डराता है, सबको जेल के अंदर से। वो क्या कहता था लड़का कि काम पे टांग रही थी, उनका ये हाल उसने कर दिया। एक तस्वीर खान साहब की निकली जेल, वो जो उनकी ऑनलाइन एक मीटिंग थी, लोगों के हाथ पैर फूल गए। 15 मिनट खान साहब का ऑडियो मोनोलॉग था सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट ने लीक किया, हमारी तो फेडरल हुकूमत नहीं है, उससे भी सारे डर गए। ये डरपोक बुजदिल लोग हैं, पहले बुजदार प्लस प्लस था, बुजदिल प्लस प्लस आ गए, बेड़ा गर्क कर दिया वतन। पार्टी को जब इन लोगों ने 9 मई के बाद तोड़ने की कोशिश शुरू की, बड़े बड़े नमूने थे। कुछ मजबूर लोग गए जिन पे तशद्दुद हुआ, कुछ फाइलों वाले जिनकी चोरा चोरी ड्रामेबाजी पकड़े गए। ठीक, खान ने अभी भी फैसला किया हुआ है कि इंशाल्लाह जब वो निकलेंगे उनका फैसला, कौन वापस आएगा कौन वापस नहीं आएगा। ठीक, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े नाम जा रहे थे, एक CM, दूसरा CM, तीसरा CM, गवर्नर ये, मिनिस्टर वो, क्या पार्टी टूटी। हम 47% तब पॉपुलैरिटी पे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 87% पे चले गए हैं। इन्होंने जो जो प्लान किया वो बैकफायर हुआ। इमरान खान अपने वक्त से निकलेगा, अपने केसेस की बात निकलेगा, उनकी बहनों की बातें आप सुन लें, उसकी बहनें हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके ईमान का जज्बा देख ले। एक का बेटा जेल में बैठे हुए, उनके नौकर बैठे हुए, हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, बेचारा उमर चीमा, कितने लोग जेलों में है, मियाबाद फारूक, ये बेचारा हसन नियाजी। लेकिन पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, ईमान भी बढ़ गया, और ताकत अब हमारे पास स्ट्रीट पावर है। ये कहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, अब हमारा स्ट्रीट पावर आप देखें। मैंने उस दिन भी कहा था, ईमान के जज्बे, वतन दोस्ती के जज्बे से आए बैठे बात करें। अगर आपने सड़क पे निकलना है तो फिर वो जंग तो हम जीत चुके हैं, उसकी जरूरत ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, जमात इस्लामी अपना धरना कर रही है, अपने वर्कर्स को लेके आई है। हम नेशनल असेंबली में ये 5वां दिन के धरना हो रहा है। एक MNA के पीछे कितने लोगों का हलका होता है? 10 लाख का। हम जब वहां 30 MNAs बनते तो वो 3 करोड़ लोग हो गया। उस दिन हम 76 MNAs और सेनेटर्स थे, तो आपकी 2/3 तो ये आबादी हो गई। हम सिर्फ अपने वर्कर्स को इसलिए नहीं निकाल रहे, वरना मेरे लिए ऐसा, मेरे लिए तो आसान है कि वर्कर निकलो, मैं आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठू जैसे ये बाकी करते हैं। हम अपने वर्कर को तहफ्फुज़ दे रहे हैं, क्योंकि आजकल फस्ताइयत एक हद से चली गई है। अब या तो ये होगा ना कि हमें हथियार उठाने, हम हथियार नहीं उठाना चाहते, हम वतन के खिलाफ नहीं उठना चाहते। जस्ट बिकॉज इस वक्त फिरौन बैठे हम मुल्क का नुकसान करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। असेंबली में चुपचाप बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी है, धरना भी है, सब कुछ है, डायबिटिक लोग बैठे हैं, हार्ट पेशेंट्स, हमारा कोलीग स्वाद से सलीम उर रहमान साहब, वो नॉर्मल कमरे में नहीं बैठ सकता, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो बेचारा गर्मी, पहले तो जेल था और फिर गर्मी में हमारे साथ बैठा होता है, पसीने पसीने, कहते हैं जाओ तुम मत बैठो, कहते हैं नहीं पाकिस्तान के लिए बैठूंगा। क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे, ये धरने, ये भूख हड़ताले पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के सच्चे बेटे इमरान खान के लिए।